कि अभी तक जो मोदी सरकार में हमें नजर आया वो एक ट्रेलर था, अब उन प्रोजेक्ट्स के साकार होने की बारी या कम से कम उस जो ढांचा तैयार किया गया है वो किस तरीके से सच होगा उसे जानने की बारी आ रही है। अपने इस सेशन के लिए हम बाबुल सुप्रियो जी को और मनीष तिवारी जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे। बाबुल सुप्रियो जी, आने वाले दिनों की चुनौती पूरी करनी है तो अब की बार नया विचार जरूरी है, पर वो नया विचार होगा क्या इस बार बजट में? पहली बात तो आपकी बार नए विचार जो है वो उसको मैं थोड़ा सा, अगर वो समझ लीजिए सिंगरों के लिए राग बताने के बाद ना उस पर थोड़ा सा विस्तार करना पड़ता है। तो ये अब की बार मोदी सरकार जो है ये लोगों ने 9 महीने पहले भारी बहुमत से ये राय इंडिया के लिए दिया है। जो चुनौती की बात आप कर रहे हैं वो चुनौती का सामना जो है सरकार ने बहुत ही करेज के साथ किया है, बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उनके रुख और पॉलिसीज़ क्या है, और धीरे धीरे जैसे टाइम जाएगा आई थिंक अगर कुछ भी चीज़ अनफेयर भी अब लग रहा है ऑन द फेस ऑफ इट, आई थिंक इट विल ऑल इवन आउट एंड आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट वी रीच दैट आफ्टर लिटिल बिट ऑफ पेशेंस आई थिंक द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी देयर ऑन द ग्राउंड जीरो फॉर पीपल टू सी। अब नए विचार पर भी बता दीजिए। नए विचार जो है वो आपको, वी आर ऑल वेटिंग फॉर द बजट, राइट, सेम विथ मी। वो सारे विचार जो है प्रधानमंत्री जी इन ऑल हिज स्पीचेस वो अपने विचार अपने ड्रीम्स को काफ़ी करेज के साथ लोगों के सामने रखते हैं, तो उसका एक छवि जो है आपको डेफिनेटली बजट में देखने को मिलेगी। एंड आई डोंट वांट टू पुट द चैरियट बिफोर द हॉर्स, आई विल वेट फॉर द 28th। उसके बाद जो है आपको दिखेगी कि जो चीज़ वो कह रहे हैं एक्चुअल चीज़ में, एक्चुअल बजट में उसका प्रतिफलन किस तरीके से होता है। चलिए, यहाँ पर हम कांग्रेस बीजेपी की कोई लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो पास्ट का अनुभव है उसके आधार पर हम वर्तमान को आके और फिर देखें कि उम्मीदें क्या हैं। मनीष जी, आप लोगों की जब सरकार थी तो कई दफ़ा ये कहा गया कि कोलिशन सरकार की मजबूरियां कुछ होती हैं, वो मजबूरियां न होती तो शायद कुछ ऐसी चीज़ें अर्थव्यवस्था के लिए की जाती जो आप लोग करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे अपने दोनों कार्यकाल को मिलाकर। यहां पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार देखते हैं, कहने के लिए NDA है लेकिन बीजेपी के पास पर्याप्त सीटें हैं, उस तरीके से आपको लगता है कि इस बार के बजट में जिस तरह के प्रोजेक्ट्स खासकर प्रधानमंत्री के पेट प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हुए हैं उसे देखते हुए बजट कड़ा बन सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि UPA के 10 साल के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% से लेके 7.74% तक ऑन एन एवरेज बढ़ी, और पिछले 6 दशकों में शायद किसी भी एक दशक में इतना अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर नहीं रहा है। दूसरी बात कि इस सरकार को करना क्या चाहिए, देखिए सबसे अहम बात तो यह है कि CSO ने प्रोजेक्ट किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वर्ष 7.5% से बढ़ेगी। इस नंबर को वित्त मंत्री को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि इसका यह मतलब है कि ग्रोथ नॉन इन्फ्लेटरी होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि 2011-12 में जब यूरो क्राइसिस हुआ उसके बाद UPA की सरकार ने फिस्कल कंसोलिडेशन का जो कार्यक्रम था उसको शुरू किया। आज की तारीख में जब बजट आएगा तो एक नंबर जो सारे विशेषज्ञ देखेंगे वो फिस्कल डेफिसिट का नंबर है कि क्या ये सरकार फिस्कल डेफिसिट को 4.1% पर लेके आ पाई है, और क्या अगले वर्ष के लिए ये जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर है उसको 3.6% पर फिक्स करती है। तीसरा जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, देखिए जो पब्लिक सेक्टर या सार्वजनिक क्षेत्र की इंडस्ट्रीज हैं वो इन्वेस्ट नहीं करती, तो अगर आप अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि जो सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनकी आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आप उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो निजी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। चौथा ये देखना पड़ेगा कि ये सरकार जो पब्लिक गुड्स है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके लिए क्या करती है, और पांचवा बड़ा अहम सवाल यह रहेगा कि क्या ये सरकार धन पशुओं के लिए काम करेगी कि भारत के आम आदमी के लिए काम करेगी।
और यहीं पर एक बहुत बड़ा पेच खड़ा हो जाता है, वो ये कि अगर भारत के आम आदमी के लिए आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे उस लिहाज से हम सोचते हैं, तो लगता है कि क्या ये एक पॉपुलिस्ट बजट होगा या फिर नहीं होगा। अगर आप बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की बात एक तरफ सोचते हैं, अगर आप जिस डेफिसिट का जिक्र कर रहे हैं मनीष जी उसके बारे में सोचते हैं, अगर आप उस ग्रोथ रेट को चेज करने की सोचते हैं जो कागजों पर हमें फिलहाल नजर आता है, तो आपको कुछ कड़े कदम भी लेने होंगे जिससे हम सब भी मीडिया भी नाराज होगी, कहा जाएगा कि अरे ये तो गरीबों के खिलाफ है। क्या प्रो कॉर्पोरेट और प्रो पुअर के बीच का बैलेंस बीजेपी बना सकती है? एग्जैक्टली उसीलिए तो बजट 28 तारीख को पेश की जाएगी जहां पे ये सवाल इन सवालों का जवाब दिया जाएगा। आई थिंक यू सी आई एम नाइदर स्पोक्स पर्सन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, नाइदर डू एम आई इन द सीट ऑफ जयंत सिन्हा, फॉरगेट जेटली साहब। सो फॉर मी टू गेट इन टू एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स ऑफ द बजट इज गोइंग टू बी इनअप्रोप्रिएट। अगर आप आज प्रेसिडेंट की स्पीच को अगर आप थोड़ा मद्देनजर अगर थोड़ा सोचें तो आप देखेंगे इट हैज बीन वेरी क्लियर अबाउट व्हाट द रोड मैप ऑफ द सरकार इज, एंड प्रो रिच बजट होने से हम लोगों को थोड़ा सा डर है, राइट? रिच नहीं, प्रो कॉर्पोरेट। प्रो कॉर्पोरेट क्या प्रो रिच हो जाता है? नहीं, प्रो कॉर्पोरेट, सी अगेन इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, पहुंचा सकता है, इट्स अगेन अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। अगर आप प्रो कॉर्पोरेट बजट बोले, इट्स अगेन इट कम टर्न्स डाउन टू वेदर यू आर सपोर्टिंग द रिच और द कॉर्पोरेट सेक्टर, फॉरगेटिंग दैट इंडिया इज, जो आज जो राष्ट्रपति ने जो स्पष्ट शब्द उन्होंने कहा है कि इंडिया इज अ विलेज कंट्री, ही सेड दैट, राइट? एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एब्सोल्यूट पुअर क्लास एंड द एग्रीकल्चर हैज टू बी देयर एट अ वेरी स्टेडी रेट। तो सरकार ने अब क्या क्या उनके दिमाग में है, क्या क्या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं उनके नेतृत्व में, वो सारा टेबल पे है। चलिए डॉक्टर महेश शर्मा हमारे बीच आ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। महेश जी, जो चर्चा हम इस वक्त तक कर रहे थे यहाँ पर वो यही कि अगर हम एनडीए के बजट का इंतजार करें, पहला पूर्ण बजट होगा अरुण जेटली जी का, पिछली बार तो एक खाका उन्होंने खींचा था, देखना है कि इस बार उस ढांचे का को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, पूरे बिल्डिंग कैसे बन रही है वो देखना होगा। तो उसी पर मनीष जी ने अपनी सरकार का भी बखान किया है और बताया है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाबुल सुप्रियो जी कह रहे हैं हमें इंतजार करना होगा 28 तारीख का। अब यहां से आगे हम बढ़ते हैं, मैं आपके जो मिनिस्ट्रीज हैं उन्हीं की तरफ बढ़ती हूं, क्योंकि आपने भी जैसा कहा कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का नहीं हूं, मैं आपकी मिनिस्ट्री पर पूछूंगी, लेकिन मिनिस्ट्री स्पेसिफिक ही डॉक्टर साहब मैं आ जाती हूं, क्योंकि कल्चर टूरिज्म जब हम देखते हैं, पिछली बार 1000 करोड़ का आवंटन दे दिया गया था, इस तरह से बहुत सारी चीजों के लिए कहीं 100 करोड़ 1000 करोड़ हर चीज के लिए हमें सामने दिख रहे थे। एक बहुत अच्छा सो सॉरी भी हमने बनाया था जिसमें मुर्गी अंडा देती है, सोने का अंडा, सोने के अंडे बहुत सारे लोगों को दिए गए थे, लेकिन वो सोने के अंडे बन कैसे रहे? प्राकृतिक तौर पर तो बन नहीं रहे। क्या रेवेन्यू के लिए भी कुछ नए तरीके इजाद करने होंगे? क्या सरकार इस बारे में, इस दिशा में सोच रही है? I have been given responsibilities of three ministries, and I understand Prime Minister has laid importance. Should I talk in Hindi? Okay. Pradhan Mantri ji ne Lal Kile se lekar Chai BRICS, SARC, ya US, Australia ki apni visits mein tourism par bahut bada mahatva diya hai. Aur tourism ka mahatva, ye ek aisi industry hai jo bahut kam input ke baad, can we imagine ki इंडिया के जीडीपी का 6.88% रेवेन्यू टूरिज्म इंडस्ट्री कमाती हो और डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली 12.36% टोटल हमारे एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा टूरिज्म मंत्रालय से आता है। 1,07,000 करोड़ रुपए की, हालांकि ये संख्या अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें तो पूरे वर्ल्ड के टूरिज्म का हम सिर्फ 0.64% टूरिज्म हम शेयर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 1,07,000 करोड़ की फॉरेन रेवेन्यूज टूरिज्म विभाग कमाता है अपने इस देश के लिए। और इनपुट के माध्यम से अगर हम देखें कि जो बजटरी एलोकेशंस पहले से होते रहे हैं उसमें कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी ने 700 करोड़ रुपए की राशि, 500 करोड़ रुपए की राशि जो 5 सर्किट आज ही आपने राष्ट्रपति जी के उद्बोधन में सुना होगा कि आज ही घोषित हुए हैं, 100 करोड़ रुपए की राशि से 5 सर्किट कोस्टल सर्किट, 7500 किलोमीटर हमारी कोस्टल रिजमिन है, हमारे पास चारों वेदर्स हैं, 63% ऑफ हिमालयाज हमारे पास है, उनके लिए एक हिमालयन नॉर्थ ईस्ट सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, कृष्णा सर्किट, लॉर्ड कृष्णा हैज बीन गिवन इंपॉर्टेंस वर्ल्ड वाइड, एंड उसकी दृष्टि से 100 करोड़ रुपए कृष्णा सर्किट के माध्यम से, बुद्धिस्ट सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट के माध्यम से 500 करोड़ रुपए की राशि, और 200 करोड़ रुपए की राशि
विभिन्न योजनाओं प्रसाद और हृदय के माध्यम से सैंक्शन की गई है और उसको सर्च सैंक्शन करने की घोषणा नहीं की गई। ये सर्किट्स लागू कर दिए गए हैं, इन पर काम शुरू हो गया है, इनके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि देश के अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर पिछले 8 महीनों में सबसे ठोस कौन सा एक काम आपको नजर आता है इस दिशा में कि हम देखें कि वहां आवंटन हुआ है और यहां पर अब दोबारा आवंटन की अगर बारी आ रही है तो उससे पहले ये काम हो चुका है? देखिए, 50 जो डेडिकेटेड सर्किट्स थे उन 50 डेडिकेटेड सर्किट्स पर काम शुरू हो गया है, जिसमें 25 करोड़ रुपए की राशि एक सर्किट के लिए और डेस्टिनेशन के लिए हम लोग देते हैं छोटे और बड़े सर्किट्स के लिए। ये सब आवंटन हो चुके हैं इस बार के बजट के अंदर और जो लगभग 85% मिलते बजट की राशि एलोकेट थी वो हम अब तक जारी कर चुके हैं। 2 इंस्टीट्यूट जो 18 साल से नेशनल क्यूलिनरी इंस्टीट्यूट जो हिंदुस्तान में पहली इंस्टीट्यूट बनने जा रही है, जहाँ 18 एकड़ जमीन 18 वर्षों से खाली फाइलों में दबी हुई थी 175 करोड़ रुपए की राशि से, उनका आज से 20 दिन पहले नोएडा के अंदर उसका शिलान्यास हो चुका है। नेशनल म्यूजियम NMM जिसकी एकमात्र ब्रांच पूरे देश में सिर्फ हिंदुस्तान में है, दूसरी उसकी शाखा नोएडा के अंदर उसका शिलान्यास हो गया और मात्र 18 महीने के समय के अंदर नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के माध्यम से वो बनकर तैयार हो जाएंगी। ये फाइलें 18 वर्षों से दबी हुई थी, भूमि आवंटन भी हो चुका था। तो ये सरकार समयबद्ध सीमा के अंदर अपने कामों को अपने बजट के यूटिलाइजेशन के लिए प्रतिबद्ध है और उसकी शुरुआत हो गई है। समय थोड़ा सा दिक्कत यह है कि आवंटन अभी तक हमने देखा है मनीष जी, आवंटन आपकी सरकार की तरफ से भी बहुत हुआ था, लेकिन अगर जो डॉक्टर महेश शर्मा कह रहे हैं कि हमें एक डिफरेंस नजर आ रहा है कि कितने लोग आते हैं हिंदुस्तान की तरफ इस बात के बावजूद कि पर्यटन के एक नहीं न जाने कितने सैकड़ों केंद्र हैं यहाँ पर, उसके मुकाबले आप देख लीजिए एक एक सिटी स्टेट के तौर पर आप हांगकांग को जैसे देख लीजिए, वहां पर ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था का कंपैरिजन नहीं हो सकता है इन सब चीजों में, लेकिन कम से कम पर्यटन को ही अगर हम एक मिसाल के तौर पर देख लें तो उसका हो सकता है। कहां पर लागू होने में कमी आ जाती है कि बजट के बजट हम देखते हैं निकल जाते हैं आवंटन के, लेकिन मामला नहीं बदलता? देखिए, बजट का जो अभिभाषण होता है वित्त मंत्री का, वो एक बहुत ही अद्भुत दिन होता है। वो शायद साल में एक ऐसा दिन होता है जब वित्त मंत्री को बाकी हर मंत्रालय के ऊपर देश के नाम संदेश देने का मौका मिलता है, पर उसके बाद जो क्रियान्वयन है वो विभिन्न मंत्रालयों को करना पड़ता है। देखिए, बुनियादी सवाल ये है और ये मेरी खुद की निजी राय है कि शुड गवर्नमेंट बी इन द बिजनेस ऑफ टूरिज्म? अगर आप मुझसे पूछिए तो सरकार को तो टूरिज्म के बिजनेस में होना ही नहीं चाहिए। अगर सरकार सही में इस मुल्क में टूरिज्म को या पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है तो पहली बात तो यह है कि ITDC का निजीकरण करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारी पार्टी में, और मुझे इसको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि इसके ऊपर अलग अलग राय। प्रधानमंत्री के अगर चंद पेट प्रोजेक्ट सबकी जुबान पर रहे, जनधन योजना हो, स्वच्छ भारत हो, स्मार्ट सिटी भी उसमें एक था। स्मार्ट सिटी तो कहते हैं कि दुनिया में जहां जहां निर्माण हो रहा है वहां पर तो कई कई साल दशक बीत गया है लेकिन वहां पर निर्माण चल रहा है। यहां पर आप लोग एक समयबद्ध तरीके से दिखा रहे हैं कि हमारी इतनी स्मार्ट सिटीज हो जाएंगी, आपने कुछ को आइडेंटिफाई भी कर लिया है, काम उस लिहाज से चल रहा है? देखिए, स्मार्ट सिटी को आइडेंटिफाई करने की जहां बात आती है, वी आर वेरी एग्रेसिवली वर्किंग टुवर्ड्स पहले एक क्राइटेरिया बनाने की ओर जो है। स्मार्ट सिटी का आइडिया जो है वो भी काफ़ी स्मार्ट होना चाहिए, टू पुट इट स्ट्रेट। उसके जो भी काम या जो भी मीटिंग्स हो रहे हैं, जो भी अभी तक के जो जब से प्रधानमंत्री जी ने ये बात जाहिर की है कि उनको स्मार्ट सिटीज़ बनाने हैं 100, उसके बाद से जो प्रेजेंटेशंस हमारे डिपार्टमेंट्स में हुए हैं, जो हमने देखे हैं, उसके बाद वी आर ऑलमोस्ट 70-80% थ्रू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। नाउ व्हेन इट कम्स टू कि इंडिया में इतने सारे सिटीज़ हैं, चारों तरफ से प्रेशर है कि हमारा सिटी को भी स्मार्ट सिटी में इंक्लूड कर लिया जाए। अगर हम कोई बेंचमार्क बनाए, कोई क्राइटेरिया बनाए, जिस क्राइटेरिया के बलबूते हम उस स्मार्ट सिटीज को चुने, तो वहाँ पे भी एक हमें बैलेंस ऐसा अचीव करना पड़ेगा ताकि जो ऑलरेडी स्मार्ट सिटीज हैं वो भी पीछे ना रह जाए। ये बात सही है, लेकिन अगर कोई चीज टाइम बाउंड नहीं होगी तो लोगों के पास देखने का क्या होगा, अगली बार आपको वोट देने का आधार क्या होगा?
नहीं, ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि 5 साल का टाइम बाउंड हमने रखा है स्मार्ट सिटी का क्राइटेरिया या स्मार्ट सिटी के चुनाव करने के लिए? ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए? इसी बनाने के लिए चुनाव तो नहीं, हम उम्मीद कर रहे हैं हो गया होगा। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, चुनाव अभी तक हुआ नहीं है, नहीं हुआ है। और बनाने की जहाँ पे बात आती है, जब वो बनना शुरू होगा, जब द वर्क इज आई सेड इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, जैसे जैसे वो बनते जाएंगे आपके सामने आएगा, फिर आप उसका मूल्यांकन कीजिएगा। मनीष जी, इसमें कुछ हम ऐसी चीजें देख रहे हैं जो आपको लग रहा है कि अगर हम वक्त में न बांधें तो क्या हम साथ में एक एक्सक्यूज भी ढूंढ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं? मैंने बाबुल सुप्रियो जी की बात बहुत ध्यान से सुनी, बहुत अच्छा इन्होंने पहल की है। पर देखिए, 5 शहर इस मुल्क में बन रहे हैं, 2 दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसके साथ साथ 5 शहर शायद 1 राजस्थान में, 1 गुजरात में, 1 महाराष्ट्र में, उनका निर्माण काफी देर से चल रहा है। तो अगर ये उन 5 शहरों को पूरा कर लेंगे तो जो एक स्मार्ट सिटी के नमूने की आप बात कर रहे थे, वो स्मार्ट सिटी का नमूना बन जाए।